जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडो कोच, बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर बिहार से नालंदा। मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि हमारा बिहार पुलिस में जो महिलाओं का दौर था वो कल ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कितनी लड़कियाँ फेल हुई हैं। सबसे पहले आपका अधिकार है जानने का कि हमारे यहाँ संस्था से फेल कितना हुआ। पास तो हर कोई बताएगा, लेकिन मेरे यहाँ से मात्र 5 लड़कियाँ फेल हुई हैं, जिनके लिए मेरा बहुत दुख है। लेकिन एक अफसोस है कि मैं उनको पास नहीं करा पाया, इसके लिए आई एम सॉरी। तो 5 लड़कियों को मैं कहना चाहूँगा, लेकिन उनको पता है कि किस कारण से फेल हुए। कुछ को तकलीफ था बहुत ज़्यादा पैरों में, वो लोग बहुत कमज़ोर लड़कियाँ थी, लेकिन हिम्मत बहुत की। और उनके भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि अच्छा, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और रिजल्ट देंगे। अब बात आती है कि हमारी टोटल 5 लड़कियाँ कितने में से फेल हुई, तो उसको मैं बताना चाहूँगा। टोटल मेरे पास 35 लड़कियों ने ट्रेनिंग के लिए आई थी, 35 आप देख सकते हैं, 35 आए थे, उसमें से 30 लड़कियाँ पास हुई हैं। सारा डेट वाइज हमारे पास रिकॉर्ड है। टोटल 30 लड़कियाँ पास हुई है 35 में से, इनके लिए जोरदार तालियां। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लड़कियाँ पास हुई हैं उसमें मैक्सिमम लड़कियाँ, चाहे कितना भी कट ऑफ जाएगा, मेरिट बनाएगा। तो 30 लड़कियाँ पास हुई हैं हमारे पास। अब आगे आने वाले समय, कुछ ही दिन में आपके सामने रिजल्ट आने वाला है, और फिर देखते हैं कि क्या मंजर आएगा। और लड़के ये जो हमारे सामने दिख रहे हैं, इनको हम इसलिए रखे हैं इनके सामने ताकि ये मोटिवेट रहें कि हमारी जो बहन लोग थी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो हमारा भाई का काम है, रक्षाबंधन में तो भाई हिफाजत करता है ना बहनों की, लेकिन आपकी बहनें पहले अच्छा आपके लिए रास्ता साफ करके आई है। आप सभी को पता है कि कमज़ोर लड़की भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, आपका मनोबल दुगना होना चाहिए, ठीक है। अब जानते हैं हमारे बीच में 2 गार्जियन भी हैं और ये 4 लड़कियां आई हुई हैं, कुछ भड़क भड़क के आई, चोट दर्द लग गया इन लोगों को। सबसे पहले हम 2 आदमी का इंटरव्यू लेंगे। आइए जी, आप आइए, आप आइए, लंगड़ा के चल रहे हैं, लंगड़ा ही नहीं, आप अपने बारे में बताइए। सामने देखिए, जोर से बोले कंचन, जोर से बोला। मेरा विश्वास नहीं था जो हम पास हो जाएंगे, तब पर भी हम 40 नंबर उठा लिए। मेरा पैर में बहुत दिक्कत थी और 3-4 करके हाई जंप। हाई जंप कितना फिट के हैं आप? 3 फीट 4 इंच, यानी कि कितना नंबर मिला आपको? 17 नंबर। और रनिंग में कितना हुआ? 40 नंबर। रनिंग में 40 नंबर लाए हैं। और गोला कितना फेंके आप? 15। गोला 15 फीट पे हो गया, यानी कि 21 नंबर के लगभग इसका आया। आप कहाँ पे तकलीफ हो गया आपको? यहाँ से यहाँ पे चल के देखिए, जरा चल पा रहे हैं? रिलैक्स, आ जाए, वापस आ बाबू। कंचन आ जाए। कंचन के परिवार कौन है? आप आइए। ये आप इनके भाई। ये कंचन के भाई हैं। आप ये बताइए कि जो ट्रेनिंग के टाइम में ऐसा लग रहा था कि कितना नंबर उठा लेंगे? ये लग रहा था, लेकिन 20 दिन पहले से ही मतलब रनिंग छोड़ दी थी। हाँ, मतलब उसी से इतना लग रहा था कि दौड़ पाएगी, नहीं तो 50 नंबर तो लाने वाले थे। 50 रखा हुआ था। हाँ, तो बस इसी कारण से, लेकिन उस दिन ना लग रहा था कि दौड़ पाएगी, लेकिन एक दिन पता क्या हुआ जो रनिंग। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप संतुष्ट हैं यहाँ की ट्रेनिंग से? यहाँ का माहौल, डिसिप्लिन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा। तो दोस्तों, इस तरीके से गार्जियन भी अगर सेटिस्फाई हैं, और सुरक्षा का माहौल कैसा है यहाँ पे, किसी प्रकार का लड़कियों के साथ मिसबिहेवियर? टीम मजबूत है? आप तो छोड़ के चल जाते थे, आराम से आते थे, ठीक खुद आती थी। हाँ, चलिए, जब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए जी, आप जी, क्या नाम है आपका? सुरभि जी, 20 पोजिशन। हाँ, जोर से बोले। मेरा नाम सुरभि पटेल है और हम नालंदा, सॉरी शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन मतलब कि ट्रेनिंग जो किए हैं बुद्धा में किए हैं, नालंदा में आकर मतलब बिहार शरीफ में किए थे सर के यहाँ ट्रेनिंग। तो मेरा वहाँ हाई जंप 3-8 हुआ है और गोला 15+ गया है, और रनिंग का तो नहीं वहाँ बताया, लेकिन ए टीम में थे, 3रे नंबर पर थे, तो वो तो वहाँ फाइनल में। अच्छा, कितनी लड़कियों का ग्रुप में आप दौड़े थे? 3 नंबर पे आए। 35 लड़की थी उसमें, मेरा 3रा नंबर पे था। सर बोले थे कि सबसे पीछे मतलब कि लाइन में लगना, सबको काट कर आगे करना है, तो मतलब गलत बोले थे।
नहीं सर, सही बोले थे, सबसे पीछे लाइन में ही थे और सबसे मतलब कि थर्ड नंबर पे फाइनल में आए हैं। और ये हम बोलना चाहते हैं कि बुद्धा मतलब मेरा जो गोला था पहले मतलब 13 जाता था सबसे पहले शुरुआत में, बहुत मतलब हमको सोच नहीं सकते हैं कितना मतलब बहुत सर यहाँ अलग अलग तरह से जैसे जिम वगैरह हुआ ये सबसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और सर यहाँ जो अलग अलग प्रैक्टिस करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छा करवाते हैं, हमको यहाँ मतलब बहुत अच्छा लगा। तो गोला में यहाँ का माहौल भी मतलब बहुत अच्छा है सर, बहुत स्ट्रिक्ट है और मतलब अच्छा सारा कुछ, हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा। मैडम तो टाइट होते हैं। हाँ मैडम बहुत ज्यादा टाइट है, मतलब अच्छा है हम लोग के, लड़की लड़का जो भी मतलब यहाँ डिसिप्लिन में रहेगा वही यहाँ पे टिक सकता है, बना नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं दूसरे लोग के। तो जो नया जो तैयारी करते हैं यहाँ तो देख रहे हो पढ़ाई भी चल रहा क्लास में, हाँ उसके बारे में देखियो ना क्या स्थिति है इन लोग का होमवर्क सर, अलग अलग एकदम सब लाइन में अलग अलग करके सबका टेस्ट लेते हैं सब कुछ, वो सारा कुछ यहाँ का मतलब हमको अच्छा लग रहा है। चलिए ये देखिए आप इनके विचार थे और हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। जोड़ने के बाद आपका टोटल 92 नंबर आ रहा है, आप वर्दी सिला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे बीच में जो लड़कियां आई और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही काबिल तारीफ था। बहुत सी लड़कियां नहीं आ पाई, कुछ दूसरे जिले की थी वो घर चली गई हैं। अगर आपको ट्रेनिंग करना है इस तरीके से तो वेलकम टू बुद्धा। थैंक यू, जय हिंद।